और ढूंढो वो कुत्ते का पिल्ला कहाँ है, चलो यहाँ से। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? ये रेलवे की हड़ताल कब खत्म होगी? ए पारो, बाहर निकल, अपने बाप का खून पिया दो। देवदास, इतनी रात को तुम यहाँ? इतनी रात को तो ऐसे बोल रही जैसे पहले कभी आए नहीं रात में मिलने में। भूल गई वो जमा। गाड़ी से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। आ रही है ना? आ रही है। अब इसका चेंज क्यों नहीं करती? नहीं चेंज नहीं करते, कुछ साड़ी पहनना बहुत मुश्किल काम है। एक बार बांध लेते हैं तो यही पहन के नहा बहा लेते हैं हम, और सुखाने के लिए ट्रक के पीछे लटक जाते। बहन बना के ले जाएगा, गर्लफ्रेंड बना के, बेवकूफ बना के। और अभी भी मौका है, चल ले, क्योंकि तुझे तेरे घर वाले भंडारे के अलावा कहीं लेकर नहीं जाते हैं। आज मौका मिल रहा है तो ऐसे ड्रामे कर रही है जैसे पता नहीं कितने लोग रोज तेरे को अप्रोच करते हैं पार्टी के लिए। चल। एक्सक्यूज मी बेटे, सुन, सीधा जा रहा है क्या? हाँ भाई। बिल्कुल सीधा निकल जा, मुड़ के मत देखियो। क्यों भाई? बताऊं क्यों? क्योंकि यहाँ क्या हूँ मैं, राजा विनय ठाकुर है मेरा नाम। अगर तूने मुड़ के देखा तो बेटा आज तेरी गांड मेरे नाम। चल बहुत बढ़िया, मजाक नहीं देखा तो आज करा। पापा मैंने कल से स्कूल नहीं जाना यार। क्यों बेटे, फिर से सुत गए क्या? टीचर की ना मत ही खराब हो गई है। क्यों, क्या हो गया? ब्लैक बोर्ड पे खुद ने लिखा महाभारत, और फिर हमसे पूछ रही कि महाभारत कितने लिखी। मैंने बोल दिया मैडम आपने ही तो लिखी। माय नेम इज प्रसाद। तो क्या खा जाओ तुझे? आई लव यू, डू यू लव मी? नो आई डोंट, बट यू कांट से नो टू मी। व्हाई? क्योंकि प्रसाद को कभी ना नहीं बोलते। सॉरी भाई साहब, बे अंधा है क्या ना सैडी? आई एम सॉरी। अरे जी तो चलता रहता है, कोई नहीं कर। अरे सुन 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 सुन, मेरी सॉरी की स्पेलिंग गलत थी। सुनो मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ कहो ना, मैं माँ बनने वाली हूँ। नहीं नहीं नहीं, पागल हो गया? हमारे रिश्ते तो गंगा जल की तरह पवित्र है यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, अबे पूरी बात सुन ले, तेरे बाप ने प्रपोज किया है, तेरी माँ बनने वाली हूँ मैं। मतलब अगर साउथ बॉम्बे का लड़का है, अगर उसको कोई लड़की पसंद आ गई तो देख कर बोलेगा माई गॉड शी इज ब्यूटिफुल, यू नो शी इज ऑसम। घाट के ऊपर का लड़का बोलता है भाई बहुत मजबूत जानवर जा रहा है। वो क्या चीज है जो सूखा अंदर जाता है और गीला होकर बाहर आता है? क्या टीचर से ऐसे सवाल पूछता है? क्या मतलब इसका? हाँ क्या मतलब है? मैडम जी मैं तो टी बैग के बारे में बता रहा था। यहाँ तक कि विक्रम को उसके बिस्तर तक ले जाके जबरदस्ती उसकी बेल्ट खोल के ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड फड़वे मूड की मां मैंने कर रहा बाहर निकले पे किसने लॉर बना दिया साला मां का लायर। यार चीटिंग कर रहा है यार, इससे भी भयानक होता है। उस टाइम घर पे क्या कर रहे थे आप? जब भूकंप आया हम हग रहे थे, और सीधा जाना चाहिए था वो टेढ़ा जा रहा था, हम समझे चक्कर आ रहे हैं, फिर हम भागे, फ्लश भी नहीं किए। हेलो बेबी। हाँ बाबा। मेरी गाड़ी ना थोड़ी खराब हो गया, आज रात शायद आ नहीं पाऊंगा। हाँ, गाड़ी खराब होने तो बहाना अपनी सेक्रेटरी से अच्छे लड़ाना, मैं तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी, मैं दूसरी गाड़ी लेकर आ रही हूँ। हाँ, ले आओ दोनों मिलकर। अरे नहीं, तुम इतने लकी नहीं हो, उसकी गाड़ी से ठोक दूंगी, तुम्हें टिचका हुआ टमाटर बना दूंगी। मैं बॉस से पूछती हूँ, तुम कुछ काम नहीं। मम्मी मम्मी मम्मी, अरे क्या हो गया, क्या हुआ? जरा ये लाइट बंद कर देना। ऐसी ऐसी नालायक औलाद पैदा कर दिया ना मैंने। अपने चेहरे से बुरखा मत हटाओ, मगर मीठी सी आवाज में कुछ तो सुनाओ। मैं ये सोच रही हूँ जिस दिन आप चेहरा धोएंगे मैं आपको पहचानूंगी कैसे। इसीलिए तो अपना मुंह नहीं धोता हूँ।